बहन जी आपका? मीनू। कितनी उम्र है आपकी अभी? 28 साल। क्या दिक्कत है आपको? मेरी जो नाभि फिसल गई थी। नाभि फिसल गई? जी। कितने दिन हो गए? हो गए 2-3 महीने, लगभग 6 महीने हो गए। अच्छा, तो दिखाया आपने, कहीं ट्रीटमेंट किया इसका? हाँ जी दिखाया, फिर आराम नहीं हुआ। फिर आपको हमारे बारे में पता लगा? जी आप मुझे आपके बारे में पता लगा कि ऐसे ऐसे माता रोग हैं। नाभि अपने आप अपनी जगह पर आ जाएगी, आपको इसको पहन के रखना, ठीक है ना? इसको उतारना नहीं, 2-3 साल भी जल्दी से उतारने की जल्दी ना करना, कोई मजबूरी हो उठा कर रख लो उतार। किसी को IPS कहते हैं डॉक्टर लोग, किसी को नेवल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जब बाहर जाओ और यही बताते रहते हैं इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, ये उनका तरीका है बात करने का। और ना भी इसको पहन के अपने आप अपनी जगह पाएगी, ना पेट मलते हैं, ना हम चेक करते हैं, ना हम जानते हैं। हमें तो ये पता, मैं 9 साल हो गए करते हुए, इसको पहन के ना भी अपना अपनी जगह पाएगी। कमर दर्द है, पेट में दर्द है या पैरों में दर्द है, 40 मिनट के अंदर उसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा, आधे घंटे के अंदर गैस बनती है उसमें भी आराम मिलेगा। और कोई भी दिक्कत हो फोन पर बात कर लो, जैसे आपने कहा छाती में भारीपन है, तो 1 चम्मच 100 PCB सुबह ताजे पानी से पी लो खाली पेट, और आधा चम्मच दिन में 1-2 बार ताजे पानी से ले लो अगर जरूरत पड़े। एक बार पीसा हुआ सौंफ मोटे वाली जो मसाले में डलती है, रात को दूध से भी ले सकते हैं, 2-3 बार लो और कल को ही आपको आराम हो जाएगा। आज ही शाम को ले लेना 2 बार ताजे पानी से, रात को दूध से, 2-4 दिन लगातार सुबह को लेना, फिर अपना दोपहर को शाम को, अभी 10-20 दिन महीना भी ले सकते हैं। और जब आप ठीक हो जाए फिर आप हमें बताना फोन करके, ठीक है ना? इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगने के आपको, 2 दिन 1 दिन 4 दिन, और फिर कब होगा तो उसके लिए अपना भी दूध ले लो रात को, दोपहर को छाछ वगैरह ले लो, दाल सब्जी रोटी खाओ, दो कच्ची तेल सब्जी में ना डालना, बहुत कम नहीं के बराबर डालना, बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे। और पूरी परांठे समोसा पकौड़ा नॉनवेज ये नहीं खाना आपने 2-4 महीने, त्यौहार वगैरह जैसे होते हैं ना, हाँ हलवा पूरी जैसे है, थोड़ा 1-2 महीना परहेज रखना, उसके बाद परहेज कोई नहीं है, कभी भी शादी में खाएं सत्संग में खाएं कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, घर रखो इसे, क्योंकि निरंकार मैं तेरी शरणा में हूँ, बहुत ही शुक्र पिता परमात्मा, तन तन तेरा वास, कर्म तेरा वन हाथ, तो सब कुछ तेरे पास, संग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे सतगुरु मेरे नाम हो रहा है, सच्ची बात से कृपा करना, स्वस्थ सुंदर जीवन देना, भरपूर खुशियाँ देना, सब सुख देना परमात्मा चाहिए।